भाई एक बात बताओ, ये क्रिएटिन क्या स्टेरॉइड्स है? यार देखो भैया, सिंपल है, क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद ही बनाती है अंदर से। स्टेरॉइड एक एनाबॉलिक स्टफ होता है जो आप इंजेक्ट करते हो या तो ओरल फॉर्म में लेते हो। क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद ही बनाती है, लेकिन हम जब मसल बिल्डिंग करते हैं, क्रिएटिन हमें चाहिए होता है ताकि आपकी मसल फुल दिखे, ताकि आपका जो मसल के अंदर पानी है वो होल्ड करे। और क्या क्रिएटिन से मोटापा आता है? क्रिएटिन से मोटापा नहीं होता, ये मसल के अंदर पानी होल्ड करता है। अब लोगों को लगता है ना कि अगर मैं फैट लॉस में हूँ तो मैं क्रिएटिन नहीं लूँगी तो मैं और मोटा हो जाऊंगा। नहीं, क्रिएटिन आपकी मसल के बाहर पानी जमा नहीं करता है, क्रिएटिन आपकी मसल के अंदर पानी जमा करता है, इसलिए आप देखते हो आप फुल नजर आते हो काफी टाइम के लिए। और क्या ये किडनी खराब करता है? देखिए, अगर आपको पहले से मेडिकल कंडीशन है, कोई आपको किडनी के पहले से इशू है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको मत लेना, पहले आपने डॉक्टर से चेकअप कराओ कि क्या इशू है। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, आपको किडनी का कोई इशू नहीं है, तो आप क्रिएटिन सेफली ले सकते हो, ये मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। अच्छा ये बताओ, इसकी क्या ओवरलोडिंग करनी चाहिए? मैं ओवरलोडिंग अगेंस्ट हूं, बिकॉज लोग क्या करते हैं 20-20 ग्राम ले लेते हैं, एक हफ्ता दो हफ्ता फिर क्रिएटिन बंक कर देते हैं। क्रिएटिन बंक करना क्यों है? क्रिएटिन आप जिंदगी भर, अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, 3 ग्राम क्रिएटिन ले लो एक दो साल के लिए, जैसे ही आप एडवांस लेवल एथलीट बन जाओगे, आप 5 से 6 ग्राम क्रिएटिन अपनी डाइट में रेगुलर, मैं खुद 8 साल से क्रिएटिन रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ। ओके लीनबिस, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि क्रिएटिन हमें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? भैया अभी जो मैं क्रिएटिन यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ क्यूएनटी का क्रिएटिन। अभी इसने ना फिक्की की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जो हैवी मेटल नॉर्म्स है वो पास किया है इसमें। ओके, तो ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन का, ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। लेकिन अभी आपको जिम स्टार्ट करे हुए 2 साल हो गए हैं, मैं रिकमेंड करूंगा अभी आपको 3 ग्राम लो कुछ टाइम के लिए, बिकॉज अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है। आप 6 महीने 3 ग्राम लेना, उसके बाद आप इसका डोज बढ़ा देना 6 ग्राम के लिए, जिंदगी भर लेना, ओवरलोडिंग करने की जरूरत नहीं है।